Hello guys, how are you all? Hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel Being Navi, and well, see who's there on this channel today. बहुत time के बाद, बहुत मिन्नतों के बाद मैं इन्हें लेकर आई हूँ, Mr. Rohan Patkar को, who's my better half too. और इस वीडियो में हम हमारी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. बहुत लोगों ने मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था. सो हियर वी आर विद आर स्टोरी. सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट गोइंग विद दिस व्लॉग. ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी अरेंज मैरिज थी. और अरेंज मैरिज ही थी. ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी लव मैरिज थी, बट वी वर अरेंज्ड. और हम मिले थे एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, जहाँ पे रोहन ने मुझे पहले मैसेज किया था और मैंने जस्ट ज्वाइन किया था. इट वाज इन मे 2016. मैंने उसको मतलब मैं कंपनी में था तब, ऐसे ही मैं देख रहा था मतलब ब्रेक में कि कोई है क्या, तो मैंने इसको मैसेज किया था. ये मेरे को पसंद आई थी, मैंने मेरे फ्रेंड को दिखाया था. और फिर आई थिंक सो मैसेज करने के बाद रोहन ने मैसेज किया था, हाय दिस इज रोहन, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड ड्रॉप मी अ मैसेज एंड ऑल. तो मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा, आई थिंक विद इन हाफ एन आवर मैंने उसे मैसेज किया भी था. और ये शायद फ्लाइट पे जा रही थी तब, ये एयरहोस्टेस थी. yeah, right. और इसका कोई तो भी फ्लाइट था, तो हमारा जस्ट आई थिंक सो 5 मिनट्स के लिए ही बात हुआ था. हाँ, बट बात नहीं हुई थी हमारी जस्ट आई थिंक व्हाट्सएप चैट हुआ था. आई वाज लाइक कि ठीक है. और इसके पिक्चर्स वगैरह मैंने देखे और मुझे अच्छा लगा देख के कि हाँ यार, लड़का यू नो अच्छा दिखता है. और बात करने में मतलब व्हाट्सएप चैट से तो लग रहा था क्योंकि डिसेंट टाइप्स है, तो आगे सोचा जा सकता है. आगे सोचा नहीं जा सकता है. इसके बाद ये फटाक से फ्लाइट चढ़ी, फिर जब लैंड हुई तुरंत उसके बाद फोन किया इसने, याद है? मैंने फोन किया था. ये मुझे याद नहीं है. तूने फोन किया था मेरे को. झूठ बोल रहा है. ओके, इफ यू आर सेइंग सो देन मैंने शायद किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर. बट जब पहली बात हुई थी तभी भी यू नो अच्छे से बात वगैरह हुई. एंड वी डिसाइडेड टू मीट इन मुंबई, दादर, मेरे घर पे. यस, दादर में मिले थे हम फर्स्ट टाइम. तो हुआ था ऐसे कि मई में हमारी बातचीत होना शुरू हुआ था और 1 जून को मेरा बर्थडे आता है, उसके लिए मैं मुंबई आने वाली थी और रोहन भी उसके किसी काम की वजह से मुंबई आने वाला था, जो कि मई एंड में था. तो हमने सोचा कि चलो लेट्स कैच अप और मिलते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे यू नो वाइब्स वगैरह एक दूसरे की मैच होती है या क्या होता है. तो हम पहले मिले थे दादर में, मेरा घर है वहाँ पे, सब लोग मेरे रिलेटिव्स आ गए थे वहाँ पे. और तब ये शायद कार लेके आई थी, हाँ मुलुंड से ट्रैवल करके कार लेके आई थी. और फिर इसने मेरे को फ़ोन किया कि मैं नीचे आई हूँ. एंड देन वी सॉ फर्स्ट टाइम रोहन को, मैंने फर्स्ट टाइम मैं फेस टू फेस ऐसे जब फर्स्ट टाइम मैं मिली थी दादर में उसको, तो ये फ्लैट तब ना रोहन एकदम लाइक चाइल्डिश टाइप ही था. ही वॉज लाइक हाँ, बिकॉज मतलब ये एकदम ऐसे चलने वलने में एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, एकदम देख के ही किसी लड़के को लगेगा कि ये काफ़ी मैच्योर सा लड़का है. तो मुझे ऐसे लगा था यार, मुझे थोड़े मैच्योर लड़के काफ़ी अच्छे लगते हैं. मतलब तुम वैसे ही लग रहे थे. आई स्टिल रिमेंबर वेरी, ही वॉज वेयरिंग दिस वाइट शर्ट और वो जीन्स पैंट पहना था, बड़े बड़े बूट्स पहने थे. और मैं सोच रही हूँ बॉम्बे में इतने बड़े बूट्स पहन के कौन घूमता है. तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये नहीं हो सकता, ऐसा मुझे उस टाइम पर लगा था. बट जैसे ही मैंने बिल्डिंग में एंटर किया, रोहन वहाँ पर मुझे गाइड कर रहा था कि गाड़ी यहाँ से लेके आओ ऐसे करके. और मैंने जैसे ही एंटर किया उस बिल्डिंग में, रोहन की पूरी फैमिली नीचे खड़ी है, उसकी सारी मौसियाँ, मौसियों की बेटियाँ, लाइक हिज कजिन्स, मामा मामी, नाना नानी, एवरीवन वाज देयर. एंड आई वाज लाइक शॉक कि ये क्या है मतलब. उस टाइम एक्साइटमेंट रहता है कि कौन लड़की है, कौन लड़की है, चलो देखते हैं क्या है. और थोड़ा बहुत आई थिंक सो ये एयर हॉस्टेस थी, तो एयर हॉस्टेस में ऐसा होता है कि शायद उन लोगों को देखना था कि अरे लड़की एयर हॉस्टेस है, हॉस्टेस आ रही है और कैसा है. तो चलो देखने के लिए चलते हैं कि हु शी और कैसी है, क्या है वगैरह. सो मैं तो सबसे मिली अच्छे से ऑफकोर्स वहाँ पे. एक्चुअली रोहन की फैमिली को मिलके मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ. सो दैट वाज पॉजिटिव, द फर्स्ट पॉजिटिव थिंग व्हिच हैपेंड राइट देयर, कि फैमिली बहुत अच्छी है, कि ये मैच्योर्ड है. नहीं नहीं नहीं, यू आर लिटरली इमैच्योर दैट टाइम. गजब बेइज्जती है.
और फिर ना हम लाइक किसी लाउंज में वगैरह बैठने के लिए जैसे हम बातचीत करने के लिए जाने वाले थे, सो वी हम उनसे सबसे मिलके बाय वगैरह करके हम निकले. और मतलब रोहन के बिहेवियर से आई कुड से कि ये काफ़ी जैसे कुछ लड़के चंट टाइप्स होते हैं ना कि चलो किसी को बेवकूफ़ बनाने में वगैरह एक नंबर, तो रोहन वैसा नहीं है. ये मुझे पहली डेट में समझ में आ गया था दैट ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो किसी को बेवकूफ़ बनाए, क्योंकि वो मेरे को ट्रिक यूज ही नहीं करनी पड़ी ना तेरे ऊपर. व्हाट डू यू मीन, मतलब मैं बेवकूफ़ बन गई थी. बट रोहन वेरी लाइक शाय भी था और थोड़ा इमेच्योर टाइप भी था, जो मुझे वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी लगा उसमें कि यार चलो ये ज़्यादा स्मार्ट बनने वाला लड़का नहीं है, काफ़ी सही है. और जैसे ही हम बातचीत वगैरह करना शुरू किए तो वो काफ़ी एकदम अच्छा वाला, मतलब ऐसे बोलते हैं ना बबली कॉन्वर्सेशन. या सो एक्चुअली हमने कोई तो भी उस टाइम जब हम निकले थे तब हमने ऐसा मतलब घर पे पहले मिलते वैसा नीचे ही मिले थे, पर हमने कोई तो भी एक कैफे या पब था या कुछ तो भी था, लाउंज था, लाउंज था, वहाँ हम चले गए तो वो बंद था. फिर हम दूसरे लाउंज में गए एंड फिर वी आर लाइक मतलब जो मैरिज टाइप में जो उस टाइप के जो टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उस बारे में हमने बात ही नहीं की. हम कुछ तो भी अलग ही बोल रहे थे, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर कि तुम क्या करते हो हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही चल रहा था. एकदम कैजुअल था जो शादी के लिए लड़का लड़की मिलके जो डिस्कशन होता है यूजुअली. काम करती हो क्या, घर का खाना खाना बनाओगी, घर पे कौन कितने लोग हैं, सैलरी कितनी है, आपको शादी के बाद खाना बनाना पसंद होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में डिस्कशंस होते हैं जनरली. पर हमारा एक भी टॉपिक उसके ऊपर नहीं था एंड वी वर लाइक चिट चैटिंग एज इफ पुराने दोस्त मिले हो काफ़ी टाइम के बाद. एंड द मोमेंट वी लेफ्ट दैट प्लेस आई थिंक हम लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस ने भी अपने को पकड़ा था उस टाइम. हाँ बट वो ट्रैफिक हाँ वो बहुत कुछ हुआ था यार उस टाइम पे. सब डिटेल्स दोगे क्या अभी यहाँ पे बैठ के. वैष्णवी कार लेके आई थी फर्स्ट टाइम और वो सीख रही थी, तो उसने हम फिर से वापस दादर आ गए और इसको जाने का था तो इसने चाबी गुम कर दी गाड़ी की. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीख नहीं रही थी गाड़ी, मुझे काफ़ी टाइम हुआ था, मुझे काफ़ी टाइम हुआ है गाड़ी चला के, सो इसकी बातें मत सुन. ओके सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे रोहन में अच्छी लगी वॉज हिज इनोसेंस. जैसे मैंने बोला ना इमेच्योर था ये, बट उसके साथ साथ इसमें एक इनोसेंस भी था. कोई भी सवाल का ऐसे घुमा फिरा के या फिर ये ही वोंट लाए फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के भी कुछ नहीं बोलेगा, जो है वो है. तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी होता है ना, और उसके साथ साथ एक इनोसेंस भी मैंने उसमें देखा, सो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था उसके बारे में. वैष्णवी का ऐसा मतलब वैष्णवी को फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो वो सेम लाइक स्मार्ट थी, इनोसेंट तो नहीं लगती है पता नहीं, पर स्मार्ट इनोसेंट तो मैं थी भी नहीं और अभी भी मैं बोलूंगी कि मैं हूँ भी नहीं. हाँ तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा लुक ज़्यादा मैटर. जो लोग दुनिया घूम के आते हैं ना वो लोग इनोसेंट नहीं हो सकते. मैं भी दुनिया घूम के आया तो वैसा फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि ये स्मार्ट है और खूबसूरत भी है. तो यू अग्रीड ऑन समथिंग, खूबसूरत है ही जस्ट सेड, सो नोट डाउन कीजिएगा ये आगे मुकर ना जाए इस चीज से. कैमरा के पीछे या सो दैट वाज द थिंग. तो फिर उसके बाद हम मैरिज का मतलब दोनों फैमिलीज मिले, दोनों बोलने लगे एंड देन फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गए. पहले हम इन्वॉल्व थे, फिर फैमिलीज को इन्वॉल्व किया, फिर फैमिलीज भी अच्छे खासे मतलब एक दूसरे को पसंद आ गया एंड फिर देन शादी का डिसीजन बहुत जल्दी हो गया क्योंकि हम एज आई सेड हम मई में मिले थे. हाँ पर तो भी इसका ऐसा कहना था कि आई थिंक सो शी वांट टू मैरी वन दैट पर्सन की उसे अच्छे खासे से मतलब यू नो एक बार दो बार मिल के नहीं तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड. मुझे ऐसे चाहिए था कि एटलीस्ट मैं किसी लड़के को 6 महीने या फिर 8 महीने तक एटलीस्ट एक बार डेट करूँ, डेट बोल सकते हो आप, या फिर मैं थोड़ा अच्छे से उसको जान लूँ. बिकॉज हुआ ये था कि रोहन उस टाइम पे नासिक में रह रहा था एंड आई वॉज स्टेइंग इन चेन्नई दैट टाइम बिकॉज आई वॉज फ्लाइंग विद एन एयरलाइन जिसका बेस मुझे चेन्नई में मिला था. तो वो डिस्टेंस भी था हम दोनों में, तो ऐसा होता था कि हमें
इधर आई एम गोइंग टू नासिक और ही इज़ कमिंग डाउन टू चेन्नई, या फिर हम दोनों आके बॉम्बे में मिल रहे हैं. तो ये बहुत मिलना, टाइम निकालना एक दूसरे के लिए थोड़ा हेक्टिक हो रहा था कहीं ना कहीं. बहुत कम टाइम मिलता था. यस, और मैरिज के डिसीजन तक पहुँचने के लिए मुझे ऐसा था कि यार आई वॉन्ट टू बी 100% श्योर, और उस वजह से मुझे ऐसा था कि थोड़ा टाइम लिया जा सकता है. बट जैसे ही हमारी फैमिलीज़ वगैरह मिली, इट वॉज वेरी पॉजिटिव, और उसकी फैमिली भी मुझे काफ़ी पसंद आई, मेरी फैमिली भी उसे काफ़ी पसंद आई. आई मीन एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो लेट्स गेट मैरिड. मई में मिले तो जैन में शादी होगी, तो 6-7 मंथ्स एनी हाउ वी. यस, आई थिंक अक्टूबर में आवर मैरिज डेट वॉज आउट. हाँ, और अक्टूबर में हम गए थे, मतलब शादी से पहले हम गए थे प्री वेडिंग फोटोशूट में. वो हम लद्दाख गए थे और दैट टाइम इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस कि हमने, मैं, मेरी फ्रेंड थी उस टाइम एज अ फोटोग्राफर, और वैष्णवी और मेरे वो फोटो खींच रही थी. तो उस टाइम लद्दाख में ऐसा सीन हुआ कि इट्स अ बेस्ट टाइम वी स्पेंड. मतलब उस टाइम पे लद्दाख में जाके प्री वेडिंग करना, मतलब लोग सोचते भी नहीं थे उसके बारे में इन बैक इन 2016. और उस टाइम पे हम दोनों और रोहन की फ्रेंड, उन्होंने हमारे पिक्चर्स लिए थे. वो टाइम भी हमें अच्छा मिला वहाँ पे टू यू नो गेट टू नो ईच अदर. वहाँ पे हमारा एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ था. झगड़े तो मतलब काउंटलेस हुए हैं मैरिज के पहले. आई थिंक सो इतना नहीं हुआ मैरिज के बाद. सो लेट्स कम टू दैट पॉइंट. वी गॉट मैरिड ऑन 29th of Jan 2017, and post marriage मैंने अपना जॉब छोड़ के, मैं within 3-4 months, I think May 2017 में I was in Pune to stay with him, और मैं अपना जॉब छोड़ के आई थी. तो काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आपने अपना जॉब क्यों छोड़ा, क्या आपकी फैमिली ने एंड एज एन इन लॉज ने आपको फोर्स किया, या फिर योर हस्बैंड फोर्स्ड यू टू लीव योर जॉब. पर ऐसा कुछ भी नहीं था एक्चुअली. माय इन लॉज एंड माय हस्बैंड वांटेड मी टू कंटिन्यू, पर मुझे ऐसा था कि यार मैं चेन्नई में रह रही हूँ एंड रोहन इज़ इन पुणे एंड आई वॉन्ट टू स्टे विथ माई हस्बैंड. तो इसलिए मैं अपना जॉब छोड़ के आई थी. मैं खुद के डिसीजन से वहाँ पर आई थी. And even they were like, it's okay. I mean, if you want to leave, you leave and come. So they were very supportive. और इनका कुछ हाथ नहीं है उस चीज़ में. और अब मैं flying job में नहीं हूँ. ऐसा होता है ना कि दो अलग अलग personality के लोग एक साथ में आके रह रहे हैं. तो उसमें ऐसा होता है कि तुम वो पहले पत्रिका और ये सब देखते हैं ना, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि इतने गुण मिले इतने, पर ऐसा कुछ नहीं होता. शादी के बाद अलग ही रहता है. The actual adventure begins. और मुझे ये भी याद है कि मेरा और रोहन का फर्स्ट जो झगड़ा हुआ था वो इस चीज़ पे हुआ था कि ये, हाँ, ये नहा के बाहर आया था और इसने जो गीला टॉवल होता है ना वो ऐसे दरवाजे के ऊपर डाल दिया, बेडरूम के दरवाजे के ऊपर डाल दिया. ये ऑब्वियस बात है, ये बहुत सारे लोग करते होंगे. बट ना मेरे घर में ये कोई नहीं करता. मेरी मर्जी अनवर भाई. तो मैंने उसको जाके बोल दिया कि वो टॉवल है ना वो तुम सुखाने के लिए बाहर डाल दो. और उसको वो उस चीज़ से थोड़ा सा चिढ़ गया. और मैंने बात बात में बोल दिया कि ये तो कोई मैनर्स वाली बात नहीं है. तो वो मैनर्स वर्ड उसने इस तरीके से पकड़ लिया ना कि तूने मैनर्स कैसे बोला, हाउ डेयर यू उसे, मतलब तुमने मेरे मैनर्स कैसे निकाले. उस चीज़ को लेके हमने इतना झगड़ा किया होगा. यस, तो अब मैं वो जब मुझे याद आती है ना वो सारी चीज़ें, तो मुझे लिटरली हंसी आती है कि इतने स्टूपिड चीज़ों के ऊपर हमने झगड़ा किया होगा. मैरिज में एक बात रहती है कि अगर आप पहले 1-2 साल सस्टेन कर पाओगे ना, तो आप लाइफ टाइम सस्टेन कर सकते हो. अगर एक दो साल स्टार्टिंग के बहुत मुश्किल, आई थिंक सबके जाते हैं वैसे, क्योंकि आपको एक दूसरे की आदतों के बारे में नहीं पता होता एंड सडनली यू नो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है. बट नाउ वी नो ईच अदर वेरी वेल. तो जब मुझे गुस्सा आता है ही इज काम, एंड व्हेन ही इज फ्यूरियस आई एम काम. सो ये काफ़ी अच्छे से वी आर मैनेजिंग. और मुझे अभी याद नहीं कि लास्ट टाइम हमारा झगड़ा कब हुआ था. तो दैट्स अ गुड थिंग. मेरा खत्म हो गया.
ओके गाइस, सो ये थी हमारी स्टोरी जो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताई है. वैसे तो अगर बताने बैठे डिटेल में तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा. आई होप कि आपको ये स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा. विच पार्ट यू लाइक द मोस्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डू इट राइट नाउ. एंड ऑन दिस नोट गाइज, दिस इज बीइंग नवी साइनिंग ऑफ राइट नाउ विथ रोहन. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय. मच लव. गॉड ब्लेस.